विधानसभा चुनाव की रणबेरी बज चुकी है जी। राजस्थान का चुनावी रथ आज पहुंचा है 10 विधानसभा क्षेत्र के भवानी मंडी कस्बे में। यहां हम मतदाताओं से जानने का प्रयास करेंगे कि उनका जो स्थानीय नेता है, स्थानीय विधायक है, वो अपने कार्यकाल पर कितने खरे उतरे, आगे किस तरह के कि उन्होंने वादे किए थे जो अपने वादों को वो पूरा कर पाए या उन वादों में वे पूरी तरह से विफल रहे। हमारे साथ कुछ स्थानीय मतदाता है, एक बार आपका नाम बताएं। श्रीमान में मुकेश। मुकेश जी, चुनावी रथ फिर वापस पहुंच चुका है, नेता घर घर पहुंच रहे हैं वोट मांगने के लिए। क्या पुराने जो विधायक जी हैं, कितने सफल रहे, कितने वादों को वो पूरा कर पाए? देखो, मैं विधायक जी के बारे में कुछ नहीं कह सकता। बाकी अशोक गहलोत का कार्यकाल अच्छा रहा है और केंद्र में नरेंद्र मोदी की ही हमें। तो क्या किस तरीके के इस बार मुद्दे रहने वाले हैं आपको लगता है कि विधान मुद्दे तो ये नेता कोई समस्या का हल नहीं कर सकते, ये अपनी समस्या अपन को हल करनी पड़ेगी। कहीं ना कहीं कुछ मतदाताओं के मन में होता है, क्षेत्र का विकास होता है, चाहे शिक्षा की बात की जाए या चिकित्सा की बात की जाए, किन चीजों को लेकर? कुछ नहीं, ये जो सरकारी हॉस्पिटल है उसमें मशीनें खराब है, कोई ध्यान नहीं देता है, कोई नेता ध्यान नहीं देता है, ये सब अपने मोटे वोट परसेंट कमाते हैं और कुछ भी नहीं है। कुछ और साथी मर्द, एक बार आपका नाम बताएं। मेरा नाम इमरान खान है। इमरान जी, कहीं ना कहीं देखा जाता है क्योंकि चुनावी दौर में नेता वादे करते हैं, लेकिन आप क्षेत्र की बात की जाए, ढग विधानसभा क्षेत्र का भवानी मंडी बड़ा कस्बा है, किस तरीके की यहाँ पर जो है लोगों की मांग है कि ये क्षेत्रराज जी गहलोत ही आएंगे, विधायक को हमने उन्होंने चुन लिया है और वो ही आएंगे 100%, क्योंकि अशोक जी ने जिस तरह काम करवाया है उनको, अशोक जी गहलोत को आने की जरूरत ही नहीं है भवानी मंडी में, काम ही बोल रहा है उनका, आने की जरूरत ही नहीं है अशोक जी को। क्या महाराज, प्रदेश सरकार की जो योजना है उसकी वजह से उसके मुद्दे? बिल्कुल, उनकी उसी मुद्दे पे आएंगे। अशोक जी का कितना काम रहा है हर चीज में, 25 लाख रुपए का उन्होंने अभी बीमा बढ़ा दिया, बीमारी के अंदर इलाज के अंदर उन्होंने 10 लाख का 25 लाख कर दिया है, उन्होंने कितना गरीबों को कितना फायदा मिल रहा है। अभी सरकारी अस्पताल में अभी कोई सी भी, अपन प्राइवेट में चल जाओ तो वहाँ भी चिरंजीवी चालू है, अपने सारे अपने ये क्या बोलते हैं 25 लाख का इलाज फ्री कर दिया उन्होंने। क्षेत्रीय विधायक जी जो है उनके कार्यकाल से, क्षेत्रीय विधायक जी को तो हम जानते ही नहीं, इधर से निकल जाते हैं, आए तो ही नहीं अभी तक, और उनको तो उनकी पार्टी ही नहीं चुन रही है तो अपन क्या चुनेंगे। सुनहरी वाल जी खड़े हो गए उनके विरोध में, जबकि पूर्व विधायक रह चुके हैं सुनहरी वाल जी, मतलब बीजेपी खुद उनको नहीं चुन रही है अपने अपने ये कलराम जी कैंडिडेट को। लोगों का कहना है कि क्षेत्रीय विधायक यहाँ पर समय पर पहुंचे नहीं, लोगों से भी उनका मिलान नहीं होता है, कुछ लोग भी मतदाता है। आप ही युवा वोटर हैं, देखा जाए क्योंकि पेपर लीक हो जाता है, युवा की मेहनत बेकार हो जाती है, ऐसे में विधानसभा चुनाव को लेकर क्या मुद्दा आपका रहता है? विधानसभा चुनाव को लेकर मुद्दा रहना होता है कि काम को अगर देखा जाए तो अशोक जी गहलोत ने जो अपने क्षेत्र में जो काम किया है वो बहुत ही सराहनीय रहा है। इलाज को लेकर, शिक्षा को लेकर और खाद्य को लेकर जो नई नई योजनाएं हैं, कभी जो योजना चल रही है अशोक जी गहलोत की फूड पैकेट की, इसमें बहुत सी खाने की सब सामग्री फ्री आ रही, तेल वगैरह जो उन्होंने जो वादा किया जो पूरे करे उन्होंने, वो बहुत ही सराहनीय है और हम उनके काम से खुश हैं और आगे सरकार जो आए बेहतर है। तो युवा वर्ग यहाँ पर प्रदेश सरकार की योजनाओं से खुश है, लेकिन हमारे साथ कुछ अन्य भी मतदाता हैं, उनसे हम जानने का प्रयास करेंगे। सर, किस तरह की हवा इस बार विधानसभा क्षेत्र? ये जो बता रहे हैं आपको फ्रूट पैकेट मिल रहे हैं, तो ये सिर्फ जहाँ भी महीने में मिल रहे हैं, एक महीना मिला है, आधे को मिला ही नहीं है, केवल योजना है लॉलीपॉप है, लॉलीपॉप दे रहे हैं तो कुछ भी नहीं है। आएंगे तो कह रहे खिलाए आलूर मेघ वाली आएंगे। क्या माना जाए जो यहाँ की विकास की रीढ़ है वो की विकास की रीढ़ तो झालावाड़ जिला में वैसे मैडम का है, तो गहलोत जी यहाँ कुछ देते ही नहीं है, उनने गड्ढे में डाल रखा है इसको तो पूरा, एयरपोर्ट बना रखा था मैडम ने, उसका काम रोक रखा है, सारे काम अधूरे पड़े हुए हैं। बात की जाए ढग विधानसभा क्षेत्र की, यहाँ की क्या इस बार मुद्दे रहने वाले हैं? क्या पुराने जो विधायक जी आपसे वो अपने कार्यकाल में कुछ वादों को उनने उनकी तरफ से पूरी कोशिश करी है, सरकार अगर विपक्ष की है तो पूरे करेगी पूरा। और अभी आप देखें, अभी रेलवे स्टेशन से उसको रेलवे स्टेशन में, मैं विदेशों में भी घुमा हूँ 5 साल, मैं विदेशों में जो वहाँ की व्यवस्था, जब वहाँ के रोड, वहाँ की जैसी तरह की व्यवस्था है, मोदी जी ने, हमारे प्रधानमंत्री सम्मान मोदी जी ने, मैं इस देश में इस तरह के
के रोड इस तरह की व्यवस्था करी, लोग वहाँ विदेश में घूमने जाते हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ आने वाले 10 साल में विदेश के लोग यहाँ घूमने आएंगे। तो यहाँ के लोग जो सिंगापुर दुबई जो जाते हैं ना, वहाँ विदेश के लोग यहाँ घूमने आएंगे। ये हमारे यहाँ की देन है और बिल्कुल कालू राम जी जीतेंगे। और विपक्ष में इसमें सबसे बड़ी बात है कि विपक्ष में सुनने वाला इस कांग्रेस में कोई भी नहीं है। तो कुछ लोगों का कहना है कि क्षेत्र के मतदाता जो है वो एक डबल इंजन की सरकार चाहते हैं, यानी जो केंद्र में सरकार है तो प्रदेश में भी वही सरकार हो जो केंद्र में हो, उससे विकास को अतिरिक्त पार लगते हैं। लेकिन क्षेत्रीय मुद्दों की बात अभी भी यहाँ पर बेमानी सी लग रही है कहीं ना कहीं, क्योंकि सर बड़ा सा एक मेला क्षेत्र का एक बड़ा सा पुल था जिसका अभी तक निर्माण नहीं हो पाया, तो क्या कहीं ना कहीं जो स्थानीय विधायक है इन लोगों की इनकी कमी नहीं है? जो कांग्रेस सरकार है वो क्षेत्रीय समस्याओं पे ध्यान ही नहीं देती, ये कांग्रेस की कमी है। और यहाँ के जो कांग्रेस नेता है यहाँ काम होने नहीं देते। मैं तो ये बताऊंगा आपको कि राजगढ़ से भवानी मंडी पानी आ जाना चाहिए था, लेकिन केमिकल युक्त पानी और जो चर्म रोग है भवानी मंडी में चर्म पे पहुंच गया, हर घर में चर्म रोग भी मिलेगा आपको। तो जो जन समस्या है, इतनी बड़ी समस्या, उस पर ध्यान नहीं देना। 19 जिलों गहलोत साहब ने बना दिया, भवानी मंडी का अपना दावा था, लेकिन गहलोत साहब ने भवानी मंडी की कोई सुनवाई नहीं करी। अभी जो इंग्लिश मीडियम स्कूल कांग्रेस गवर्नमेंट ने खोले, इंग्लिश मीडियम खोलना अच्छी बात है, लेकिन हिंदी मीडियम बंद कर दिए, तो जो गरीब बच्चे हिंदी मीडियम में जो पढ़ने वाले हैं वो कहाँ जाएंगे? वो बच्चे जो 10 साल के बच्चे हैं वो 10 किलोमीटर दूर जा रहे हैं गरीब बीपीएल, और वो उनको मजबूरन प्राइवेट स्कूलों में एडमिशन लेना पड़ रहा है। कुछ और साथी है, व्यापार महासंघ से पूर्व व्यापार महासंघ अध्यक्ष नरेश माधवानी। एक व्यापारी है आप, क्योंकि चुनाव में व्यापारियों के लिए भी कहीं ना कहीं कुछ पीड़ाएं होती है, चुनावी मुद्दों के साथ उस समय वादे होते हैं लेकिन बाद में व्यापारियों को तो सिर्फ एक वोट बैंक पाला जाता है। उसे देखा जाए तो व्यापारियों के लिए तो हमेशा ही जो भी नए नियम आते हैं उनमें समस्याएं समस्याएं हैं, लेकिन हम हमारे जिले की बात करेंगे, वर्तमान में जो है ना तो हमारे विधायक होते हुए सरकार हमारी नहीं हुई, इस वजह से कोई सुविधा हमारे झालावाड़ जिले के विकास में नहीं हुई। जो विकास कार्य पहले से अधूरे थे उनको अधूरे ही रहने दिया, कोई भी विकास कार्य को बजट नहीं देकर उसको रोके रखा। आज हमारे यहाँ पे कोलाना हवाई अड्डा जो वर्तमान में पंडित दीनदयाल के नाम से, उसमें भी कोई बजट नहीं आया। अगर वो बजट आता, ये एयरपोर्ट चालू होता, तो कोटा झालावाड़ का एक लिंक अच्छा बना हुआ है भवानी मंडी नज़दीक है, तो काफ़ी लोगों का आना जाना हमारे यहाँ, संतरे की बहुत बड़ी मंडी है, धनिए की मंडी है, तो इस हिसाब से व्यापारियों को आने जाने की सुविधा भी एक मेन चीज़ है। वर्तमान में हमने मांग करी थी, हेडलाइन भी बनाए कि हमें अप्रोच नज़दीक दें, पर वो अप्रोच हमें मिल गया है दोनों तरफ से गरोड़ के पास, और वो तो भविष्य के लिए तो हमारे जिले के व्यापारी यही चाहेंगे कि वर्तमान जो गवर्नमेंट अब है ये चेंज होके भाजपा की गवर्नमेंट बने, क्योंकि ऊपर से भी सेंट्रल में जो गवर्नमेंट होती है वही बजट दे पाएगी, और हम चाहेंगे हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार संपूर्ण विकास के लिए। आप भी डबल इंजन सरकार की बात ये एक बार आपसे भी जानना चाहेंगे, क्योंकि प्रदेश सरकार ने आज गहलोत जी ने खुलने साथ गारंटी का खेल खेला है, ऐसे में कहां भाजपा मुकाबला कर पाएगी? नहीं, भाजपा तो मुकाबला करेगी ना सर, उनकी जन पहले की जो वसुंधरा जी की योजना है वो उसी को नाम बदल के इन्होंने ये योजना लेके आए गहलोत जी, इस कारण से वसुंधरा सरकार वापस आएगी। क्षेत्रीय विधायक जी का काम करती बिल्कुल संतुष्ट है, 5 साल तक सतत उनका जनसंपर्क रहा, भवानी मंडल में रहा, पूरे क्षेत्र में रहा, निर्दलीय प्रत्याशी द्वारा गलत अफवाहें फैलाई जा रही है। ये पूर्व विधायक ही खुद मैदान में कूद गए हैं, अब क्या? नहीं, पूर्व विधायक गलत फहमी में है, उनकी जमानत तो जब्त होगी, और क्षेत्रीय विधायक जो कालू राम जी ने वाले 25,000 से वोटों से ज्यादा से जीतेंगे। तो इस आज हमने बात की है डग विधानसभा क्षेत्र के बारे में, यहाँ के मतदाताओं के मन को टटोलने का प्रयास किया है। कुछ लोगों का कहना है कि प्रदेश सरकार द्वारा जो जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई गई थी वो इस बार कांग्रेस को जीत दिलाएगी, लेकिन
लेकिन कहीं ना कहीं जो स्थानीय मतदाता है वो क्षेत्र के मुद्दों को लेकर चर्चा कर रहे हैं। झालावाड़ जिले के विकास के साथ ही और महारानी के नाम के साथ इस क्षेत्र में भाजपा की जीत के लिए दावे किए जा रहे हैं। अब देखना होगा कि आगे आने वाले समय में किस तरीके के परिणाम होते हैं। डाक विधानसभा क्षेत्र के भवानी मंडी में इस समय हम जनता का मन टटोलने का प्रयास कर रहे हैं। इस समय हमारे साथ एक जनप्रतिनिधि भी साथ में हमारे मौजूद है, पिंकी जी। झालावाड़ के विकास में कहीं ना कहीं देखा जाए क्योंकि डाक विधानसभा क्षेत्र का भवानी मंडी कल्पा भी बड़ा अहम रोल रखता है, यहाँ पे भी जीने की मांग होती रही है और जो क्षेत्रीय विधायक ने वादे किए थे वो उन चीजों को लेकर आप क्या कहते हैं? जी, क्षेत्रीय विधायक ने जो वादे किए थे वो उन्होंने पूरा करने की पूरी कोशिश की, लेकिन सरकार विपक्ष की थी, वो नहीं चाहती थी कि जो मैडम का यहाँ पे गृहवास है एक तरीके से, तो यहाँ पे कोई काम हो। जैसे पहले लाइट का था, पानी का था, कुछ भी मतलब दुविधा नहीं आती थी, लेकिन जो अभी है, अभी जो हाल था, खैर अब तो नहीं होगा, हमारी मैडम ही आएंगी और कालू राम जी बहुत भारी मतों से यहाँ पे जीतेंगे और सरकार बीजेपी की ही बनेगी। और अभी जो वोट था यहाँ पे, जैसे नगर का ही देख लो या बाहर देख लो, ना तो बेटी सुरक्षित थी ना महिलाएं सुरक्षित थी गहलोत जी की सरकार में। जब हम तो महिलाओं की बात करेंगे, जब महिला सुरक्षित नहीं है और उनके ही मंत्री जी बोलते हैं कि ये तो मर्दों का वो है, तो आपकी अगर किसी बहन बेटी के साथ में अगर ये गलत दुर्व्यवहार होता है तो तब भी क्या आप यही कहते? लोगों को अब मतलब जाग गई है जनता और जनता बीजेपी सरकार ही लाएगी, ये सपने छोड़ दे कि हम आएंगे, ये सिर्फ झूठे वादे करते हैं। इनके जो राहुल जी है वो गिनती गिनते हैं, उनको 10 के आगे तो खैर गिनती आती ही नहीं है, झूठे वादे करके सरकार बनाते हैं और इनकी पूरी भ्रष्टाचार की सरकार है, ये बिल्कुल नकारा सरकार है, पब्लिक समझ गई है, जनता समझ गई है, राजस्थान में बीजेपी ही आएगी और वसुंधरा जी वापस मुख्यमंत्री बन के आएगी। क्या लगता है आपको, जो चुने हुए जनप्रतिनिधि होते हैं, विधायक होते हैं, उनको उनके कार्य में कहीं ना कहीं जो प्रदेश सरकार अगर विपरीत हुए पार्टी की हो तो बाधा बनती है? जी बनती है, क्योंकि हमारे विधायक महोदय के हाथ बंधे हुए थे, उन्होंने बहुत सारे मुद्दे उठाए, एक एक चीज के मुद्दे उठाए, किसान को लेकर, महिलाओं को लेकर, हर चीज के, लेकिन सरकार कांग्रेस की होने से यहाँ पे कोई काम नहीं बने। हमारे नगर में भी कांग्रेस की सरकार है, यहाँ पे भी बहुत भ्रष्टाचार हो रहा है। आपने पूछा था जिले की बात, जिला ये तो जो कांग्रेस वाले हैं, जो यहाँ की जमीनें हैं, कुछ हमने इतनी बार जमीनों का मुद्दा उठाया लेकिन इन्होंने कुछ भी नहीं किया, सारी जमीनें बेच बेच के खा रहे हैं और कुछ भी नहीं कर रहे हैं, आपस में लड़ते हैं, आपस में पार्षद लड़ते हैं उनके, और कुछ भी काम नहीं करते हैं, सिर्फ नोट कमाने का काम करते हैं। कांग्रेस सरकार भ्रष्टाचार सरकार है। क्या माना जाए 3 तारीख को किस तरीके के परिणाम की अपेक्षा? जी बीजेपी ही जीतेगी, ये 100% है। तो ये बिक्की गुजर जी, जो इन्होंने महिला सुरक्षा को लेकर भी यहाँ पे सवाल खड़े किए हैं कि कहीं ना कहीं जो कानून व्यवस्था है वो भी लगातार यहाँ पर बिगड़ती जा रही है, कुछ और भी हमारे साथ बुजुर्ग मतदाता है, एक बार आपका भी नाम बताएं। मेरा नाम दुर्गा शंकर यादव है, भारतीय जनता पार्टी का। दुर्गा शंकर जी जिस तरीके से विधानसभा चुनाव बिल्कुल अब आ ही चुके हैं, किस तरीके से लगता है इस बार जनता का रुख, क्योंकि जनता का रुख डबल इंजन की सरकार चाहती है। यहाँ झालावाड़ जिले का हर व्यक्ति, हर मतदाता चाहता है कि भारतीय जनता पार्टी से यहाँ चारों विधायक जीते और जीत करके जाए और हमारे पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया बने और वापस इस राजस्थान में जो विकास का जो पहिया रुका हुआ वो वापस विकास अपने अपने उसी जिस तरह से पहले विकास हुआ इसी तरह से विकास हो। आपने देखा होगा जब से ये कांग्रेस सरकार आई है, आप ही बताइए झालावाड़ जिले में क्या काम किया, आज तक कोई काम नहीं किया। आप देखिए इन कांग्रेस वालों से पूछा तो करो आप, यहाँ इस कांग्रेस सरकार में यहाँ के लोग गंदा पानी पी रहे, एक गंदा पानी यहाँ से लाइन जोड़ने का काम है, अगर चाहते तो उस लाइन को जोड़वा सकते थे। ये हमारा आवर पगार है यहाँ पर, वो 5 साल से पुलिया अधूरी पड़ी, वो अधूरा काम, वो काम कुछ हुआ नहीं, कोई नई योजना कुछ तो बताएं। ये तो वसुंधरा राजे सिंधिया जी के टाइम में, मैं भी अभी तो बताने वाला हूँ आपको, मैं भी 33 साल को इसी निकम्मी कांग्रेस सरकार में रहा हूँ, लेकिन जब मैंने देखा कि
कोरोना काल में महारानी जी ने जो मेडिकल कॉलेज बनवाया और यहाँ की जो व्यवस्था देगी सचिवालय बनाया फिर देख करके और कोरोना काल में जो यहाँ के लोगों की जो जाने बची है वहाँ मेडिकल कॉलेज होने से ऑक्सीजन प्लांट मिला, सारी व्यवस्थाएं मिली। अगर ये मेडिकल कॉलेज नहीं होता तो इस झालावाड़ जिले में ना जाने कितने लोगों को मौत के मुंह से जाना पड़ता। उस कार्यकाल को देख करके मैंने ये निकम्मी कांग्रेस सरकार छोड़ी और भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा। और अभी आपने देखा होगा कि केंद्र के साथ साथ राज्य सरकार बनेगी तो कितने विकास होंगे। जो इस केंद्र में देखा आपने 370 मतलब जो आदमी कभी सपने में भी नहीं सोच सकता ऐसे काम हुए। 370 देखे आप कश्मीर में क्या हालात थे। किसी जमाने में मैं भी गया था उस टाइम पर 20 साल पहले वहाँ गोलीकांड होता था। मैं मेरा अधूरा टूर छोड़ करके आया और अभी मैं 3 साल पहले गया तो बिल्कुल जैसा हम हमारे झालावाड़ जिला कोटा में घूमते इस तरह से घूमा। यह मोदी जी की देन, हमारे भारतीय जनता पार्टी की देन। ये देखो आप किस तरह के मुद्दे रहने वाले हैं। विकास के मुद्दे हैं और जनकल्याण जो राष्ट्र सरकार ने जनकल्याण को योजना दी है विकास तो होना चाहिए सर। वो क्षेत्र की जनता जा रही है कि अब जनकल्याणकारी योजनाएं जो प्रदेश सरकार की थी उनके लिए कहा गया। स्थानीय मुद्दे भी तो कुछ होंगे जो जिन्हें स्थानीय मुद्दे तो पेयजल जो ये अपनी है के बाद डैम की जो पानी है उसकी रायगढ़ डैम से। पूर्व विधायक जी जो हैं आपके रहे हैं कैसा उनका कार्यकाल रहा है। पूर्व मदन जी का जो वर्तमान विधायक अभी कर्नल जी वो कभी क्षेत्र में कभी दौरा करा नहीं, मुद्दे नहीं उठाए उन्होंने विधानसभा में ताकि उसका जो तो कुछ मतदाता यहाँ पर नाराज दिखाई दे रहे हैं कि क्षेत्रीय विधायक यहाँ पर आते नहीं है और प्रदेश सरकार की जो जनकल्याणकारी योजना है वही इस बार चुनाव का प्रमुख मुद्दा रहने वाली है। एक बार आपका भी नाम बताया सर। राधे श्याम काला। राधेश्याम जी, विधानसभा चुनाव का रणभेदी बच चुकी है, यहाँ पर भी प्रत्याशियों की घोषणा हो चुकी है कांग्रेस और बीजेपी दोनों तरफ से और इस बार तो एक नया तीसरा निर्दलीय भी है मैदान में। क्या मुद्दे रहने वाले हैं जनता के। मुद्दा विकास। राजस्थान सरकार की जो जन कल्याणकारी योजना रही है उससे गरीब तबके के आखिरी छोर तक जो सुविधाएं मुहैया की गई है उसको लोग भूलना नहीं चाहते हैं। दूसरी बात, क्षेत्रीय विधायक कालू राम जी मेघवाल पिछले 5 साल में जनता से आकर रूबरू ना हो गए और उसमें लोगों का आक्रोश है। तीसरी बात, राज्य सरकार के मुख्यमंत्री जी अशोक जी गहलोत ने भवानी मंडी को सारी कार्रवाइयां पूरी होने के बाद जो जिला घोषित नहीं किया उसका आक्रोश भी आम जन में जरूर है, लेकिन ये भी आशा है कि वो अगर पुनः लौटते हैं तो इस भवानी मंडी को निश्चित तौर पर जिला घोषित कराएंगे। कहीं ना कहीं देखा जाए क्योंकि विधानसभा चुनाव के दौरान शिक्षा, चिकित्सा और एक औद्योगिक जो इंडस्ट्रीज है ताकि रोजगार के जो अवसर यहाँ पर पैदा हो, इन चीजों को लेकर भी होते रहे। सीधी बात है कि अगर अपन ये देखें तो चिरंजीवी योजना ने कई लाखों लोगों के जो दुख दर्द थे, पैसे की कमी थी, उस समस्या को दूर किया है तो वो अशोक गहलोत है। ऐसा ऊर्जावान मुख्यमंत्री रहा है जिसने ऐसे आयाम स्थापित किए कि गरीब से गरीब व्यक्ति और अमीर से अमीर व्यक्ति धनाभाव के अभाव में अपनी जब सांसें तोड़ रहा था तो उसको राहत की सांस उन्होंने दी है, ये उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। लेकिन कमियां भी है, जैसे मेडिकल है, मेडिकल में बहुत सारी समस्याएं रहती है, डॉक्टर लोग नहीं सुनते हैं, लेकिन उसमें भी उनको अब आने वाले समय में ध्यान देना पड़ेगा। शिक्षा का स्तर सुधरा है, ग्रामीण अंचल में महात्मा गांधी इंग्लिश स्कूल खोले जा रहे हैं, ये बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि लगता ऐसा है कि विकास के नाम पे इस क्षेत्र का मतदाता निश्चित तौर पे जो परिवर्तन ला रहा है
वो कांग्रेस के इतना जा सकता है। तो प्रदेश सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं को यहाँ पर माना जा रहा है कि वही जो है कांग्रेस के लिए जीत के लिए मुख्य रहने वाली है। एक कुछ और मतदाता हमारे साथ है, एक बार आपका नाम बताएं। गोवर्धन सिंह फैमिली गोवर्धन सिंह जी विधानसभा चुनाव आ ही रहे हैं, जनता हर बार नेता वादे करके चल जाते हैं लेकिन पीछे देखने का उनका बिल्कुल सही बात है। क्या माना जाए जो स्थानीय क्षेत्रीय विधायक रहे उनका कार्यकाल कैसा रहा है, क्या वो अपने वादों को पूरा कर पाए, या जो मुद्दे हैं इस बार जनता के क्या क्या है? जनता में इस बार चेतरा जी को जारी था, एक तो भवानी मंडी से है वो, कालू राम जी 5 साल में एक बार इधर जाके नहीं भवानी मंडी छत्तर, और चेतरा जी भवानी मंडी साहब तो कुछ न कुछ तो माहौल अच्छा है, जीतू नहीं गया। फिर केंद्र अपने राज्य सरकार की योजना बहुत अच्छी है, गहलोत साहब ने योजना चलाई बहुत अच्छी चल रही है, इससे कहीं ना कहीं दोबारा रिपीट सरकार इस बार होनी है। क्या कोई रोजगार के भी यहाँ अवसर वगैरह की अब आवश्यकता लगती है कि जिससे युवा पीढ़ी को अच्छा? युवा पीढ़ी को तो ही है, युवा पीढ़ी को रोजगार की आवश्यकता ही है। तो स्थानीय लोगों का कहना है कि जो क्षेत्रीय विधायक है वो भवानी मंडी क्षेत्र के मतदाताओं तक पूरी तरीके से नहीं पहुंच पाए, उनके साथ वो लिंक नहीं कर पाए, ऐसे में लोगों की कहीं नाराजगी भी देखने को मिल रही है। अभी और कुछ मतदाता हमारे साथ है, एक बार आपका नाम? मोहम्मद इशाक अब्बासी। इशाक साहब, विधानसभा चुनाव में क्या मुद्दे रहने वाले हैं, आम आदमी की क्या जरूरतें हैं? देखो साहब, आपके कांग्रेस ने जो अशोक गहलोत जी ने जो काम करा है, क्या किसी सरकार ने नहीं करा है? कालू लाल जी मेघवाल कभी आके देखा भी नहीं उन्होंने कि पब्लिक की क्या स्थिति है, और क्षेत्रराम जो है ये बहुत बड़े आदमी चुना है क्या साहब, और हम उसे चाहते हैं कांग्रेस को, और विकास भी कांग्रेस ने बहुत बड़े करा है, योजना ऐसी लागू करी उन्होंने, नई नई योजना लागू करी हमारे राजस्थान के अंदर क्या। महिलाएं भी स्थानीय कुछ महिलाओं से हमने बात की है, वो कहती है कि यहाँ पर अभी महिला सुरक्षा को लेकर भी कुछ कानून व्यवस्थाएं पूरी तरह से चरमराई हुई है। कानून व्यवस्था तो अपने हिसाब से चलती है, तो क्या कोई ऐसा गलत नहीं है, सब बढ़िया है क्या था? तो ये है विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं से हमने मन टटोलने का प्रयास किया, कुछ लोग यहाँ पर स्थानीय विधायक जो है कालू राम मेघवाल उनके कार्यकाल से संतुष्ट नजर आए, तो वही कुछ लोगों का कहना है कि प्रदेश सरकार की जो जनकल्याणकारी योजनाएं हैं वो इस बार विधानसभा चुनाव में प्रभावी रहने वाली है, ऐसे में आने वाला समय जो 3 तारीख है उस पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। महेश परिहार, जी मीडिया, झालावाड़।